नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंसर्ट टैब के 3D मॉडल्स के बारे में। आप देखेंगे यहां पर हमारे सामने एक मॉडल नज़र आ रहा है जिसमें बेसिकली एनिमेटेड डॉग आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके का अगर आपको और भी कोई मॉडल इंसर्ट करना है तो आप इजीली MS वर्ड में इंसर्ट टैब से 3D मॉडल वाले ऑप्शन से इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन सभी डेटा को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ से हम चले जाते हैं 3D मॉडल्स वाले ऑप्शन पर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपका होगा दिस डिवाइस। अगर आप अपने सिस्टम में से कहीं से कोई मॉडल इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके अपने सिस्टम में से कोई मॉडल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का कोई 3D मॉडल है तो आप यहाँ से आप इजीली उसे इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पास इस तरीके का 3D मॉडल यहाँ पर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसे ऑनलाइन इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे स्टॉक पर। स्टॉक 3D मॉडल पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने ऑनलाइन 3D मॉडल्स का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इसके अंदर आपको काफ़ी सारे मॉडल्स यहाँ पर नज़र आएंगे जिसमें से आप किसी भी मॉडल का चयन करके आप यहाँ पर उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम इसमें से यहाँ एनिमल्स पर जाते हैं और एनिमल्स पर क्लिक करते हैं। इस कैटेगरी पर जैसे ही क्लिक किया हमने तो आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे एनिमल्स आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे जिसमें से आप कोई भी एनिमल यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। हम इनमें से इस वाले 3D मॉडल का यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम इसे इंसर्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इसे इंसर्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद वो 3D मॉडल हमारे MS वर्ड में यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे 3D मॉडल हमारा यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। इसमें दो टाइप के आपको मॉडल्स मिलते हैं जिसमें एक मॉडल आपको दिखाई दे रहा है जो विदाउट एनिमेटेड होता है, सिर्फ एज ए इमेज होता है। उसको आप अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से पकड़ करके इसको घुमाना चाहेंगे तो यहाँ से आप इसे इजीली मूव कर सकते हैं। तो इसे जिस भी एंगल में आप घुमाना चाहें उस एंगल में आप अपने हिसाब से इसको रोटेट कर सकते हैं। इसको जितना जूम करना चाहें उतना जूम भी कर सकते हैं, जितना बड़ा करना चाहें उतना बड़ा भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इस 3D मॉडल को जहाँ पर भी एडजस्ट करना चाहें वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एनिमेटेड 3D मॉडल चाहते हैं तो उसके लिए आपको वापस से इसी 3D मॉडल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, स्टॉक पर क्लिक करना होगा, आपको एनिमल्स पर जाना होगा और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एनिमल्स जो कि 3D मॉडल में आपको दिखाई देंगे। मैं थोड़ा सा जूम करके इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी एनिमेटेड वाला आइकन होगा उस आइकन के आगे ये कॉर्नर आपको दिखाई देगा। इस कॉर्नर में आपको दिखाई देगा रनिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी आपके इमेजेस हैं वो रनिंग वाली है, यानी कि वो एनिमेटेड वाली हैं। तो यानी कि इनमें से अगर आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट करते हैं तो वो रनिंग वाली एनिमेटेड वीडियोस होती हैं। तो इसके बाद हम इनमें से किसी भी एक 3D मॉडल को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस वाली वीडियो को सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसे इंसर्ट कर लेते हैं। ये भी थोड़ा सा समय लेगा इंसर्ट होने में और उसके बाद ये हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने ये दोनों के दोनों मॉडल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुके हैं क्योंकि मैंने दो मॉडल्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया था। आप देखेंगे ये भी मॉडल हमारा रिप्रेजेंट हो गया और ये भी मॉडल हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इन सभी 3D मॉडल्स को यहाँ पर ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इन मॉडल्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आपको बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर दिखाई देंगे, ऐसे ही आपको बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पर दिखाई देंगी जिसका यूज़ आप MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को बनाने में कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम इस किसी मॉडल्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाते हैं जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है 3D मॉडल्स का, जो ऑप्शन मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक और ऑप्शन आपका आएगा रिसेट 3D मॉडल का। अगर मान लीजिए हम इसको किसी भी एंगल में रोटेट कर देते हैं और मैं इसको जूम कर देता हूँ किसी तरीके से या उसका साइज़ छोटा कर देता हूँ अपने हिसाब से और इसे मुझे रिसेट करना है तो जैसे ही मैं 3D मॉडल्स पर क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, वापस से रिसेट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं रिसेट 3D मॉडल एंड साइज़ पे क्लिक करूँगा तो ये वापस से अपने ही साइज़ में रिसेट हो जाएगा जिस साइज़ में ये इंसर्ट हुआ था। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारे एंगल्स हैं, आप इसमें से कोई भी एंगल सेलेक्ट करके आप इसकी पोजीशन को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जिस भी पोजीशन पर आप इसे रखना चाहें उस पोजीशन पर आप इसे ईजिली यहाँ पर मेनटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक्सेसिबिलिटी, अरेंज और साइज़ वगैरह के ऑप्शन नज़र आएंगे। बेसिकली इन सभी ऑप्शंस के बारे में मैं पिछली दो वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके बाद इसमें मैं कुछ ऑप्शंस को यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हम पोजीशन की अगर हम बात करें तो पोजीशन के हिसाब से आप अपने ऑब्जेक्ट को जिस भी पोजीशन पर रखना चाहें उस पोजीशन पर यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से।
रैपिंग की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट ले लेते हैं, हम रेंड कमांड चला करके कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा जो भी 3D मॉडल है वो इस टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए हम 3D मॉडल्स पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे 3D मॉडल का एक नया टैब खुल जाएगा और उसके अंदर आपको जाना होगा टेक्स्ट रैपिंग पर, और यहाँ पर आप इनमें से काफ़ी सारे रैपिंग्स आपको दिखाई देंगे जिनकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को रैपिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टाइटली यूज़ करते हैं, तो टाइटली यूज़ करने में क्या होगा, हम जहाँ भी टेक्स्ट को मूव कराएंगे वो हमारा ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता चला जाएगा। इसी तरीके से आप इस पर क्लिक करके इसकी रैपिंग कर सकते हैं, यहाँ से टाइटली एडजस्ट कर सकते हैं, और उसी तरीके से इस पर क्लिक करके यहाँ पर भी आप इसे टाइटली एडजस्ट कर सकते हैं या फिर स्क्वायरली एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसे जहाँ भी मूव करेंगे ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पर मैनेज होता चला जाएगा। तो आप देखेंगे ये हमारा बहुत ही आसानी से टेक्स्ट हमारा मैनेज हो गया। इसके अलावा इन मॉडल्स को अगर आप घुमाना चाहें तो यहाँ पर बीच में आ करके आप इसे जिस भी एंगल पर घुमाना चाहें उस एंगल पर आप इसे भी ईजिली आप अपने हिसाब से मूव करा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 3D मॉड्यूल्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।